नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण नहीं कराने पर सोमवार को नगर निगम की टीम द्वारा दक्षिण गंगोत्री मार्केट स्थित श्रीराम फर्नीचर नामक दुकान के साथ एक और दुकान को सील कर दिया गया। अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण कराने के लिए भिलाई निगम द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है। सर्वे भी किया जा रहा है तथा शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। सर्वे उपरांत अनाधिकृत विकास को नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने कहा जा रहा है। फिर भी नियमितीकरण नहीं कराने वाले ऐसे अनाधिकृत विकास व निर्माण पर निगम की टीम द्वारा सीलबंद करने की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर सभी जोन क्षेत्रों में सर्वे अभियान चल रहा है। अलग अलग वार्ड क्षेत्रों में शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है, परंतु अनाधिकृत विकास व निर्माण के दायरे में आने वाले संचालकों मालिकों द्वारा नियमितीकरण नहीं कराने पर सीलबंद की कार्रवाई की जा रही है। पिछले माह नगर निगम द्वारा पिछले माह हमने यहाँ पर नियमितीकरण के लिए शिविर लगाया था और व्यापार से जो व्यापारी संघ का है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा मेरे को बोला गया कि लगभग 2 दिन का शिविर आप लगाइए, 2 दिन में बहुत सारे केस मिलेंगे आपको। मैंने 2 दिन तक उनकी बात मान के शिविर लगाया, उसके बाद भी हमारे को यहाँ से रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद तब हमने नोटिस दिया आज से 15 दिन पहले कि आप अपने दुकानों का जो भी अनियमित है उसको नियमित करा लीजिए। उसके बाद भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब हमने होली तक इंतज़ार किया। होली के बाद हम अब इसको सीलिंग का कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही लोग अपना जमा कर देंगे नियमितीकरण का पेपर, हम खोल देंगे।